मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में मंदिर में तोड़फोड़, खालिस्तान रेफरेंडम के पोस्टर्स को मंदिर के मरकजी दरवाजे पर चस्पा कर दिया। पोस्टर पर हरदीप सिंह निजर की तस्वीर भी आवेजा थी। कनाडा में जंगलात में लगी आग का हाल बेकाबू। अल्बर्टा और शुमाल मगरबी इलाकों में फौज को तैनात कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि कनाडा में जंगलात में आग मामूल से ज़्यादा रहेंगी। कनाडा में इक्तिसादी माहरीन की जानिब से महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। माहरीन का कहना है कि बुलंद अफराते ज़र के खिलाफ फतह कलील उलमुद्दत रहेगी। अफराते ज़र को 2% हदफ तक पहुँचने में कुछ वक्त लगेगा। अमेरिका की 100 साल तारीख की बदतरीन आग, हलाकतों की तादाद 93 हो गई। 2200 से जायद इमारतें, 2500 एकड़ अराजी पर सब कुछ जल कर राख हो गया। चीन में शदीद बारिशें, मिट्टी का तोदा गिरने से 21 अफराद हलाक हो गए। अफगान सरजमीन किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान वजीर खारजा का कहना है कि कोई भी अफगानी अस्करियत पसंदी के लिए अफगान की सरहद नहीं पार करेगा। अफगानिस्तान अपने मुल्क की तामीर और तरक्की, अमन की बहाली पर तवज्जो दे रहा है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ke sube British Columbia mein Sikhon ne Hindu community ki ibadat gah mein tod phod karke Khalistan referendum ke posters ko मंदिर के मरकजी दरवाजे पर चस्पा कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में सिखों ने हिंदू कम्युनिटी की इबादत गाह में तोड़ फोड़ करके खालिस्तान रेफरेंडम के पोस्टर्स को मंदिर के मरकजी दरवाजे पर चस्पा कर दिया। मंदिर के दरवाजे पर लगे पोस्टर पर हरदीप सिंह निजर की तस्वीर भी थी। हरदीप सिंह निजार कनाडा के इलाके सिरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के सरबरा थे। उन्हें 18 जून की शाम गुरुद्वारे के अहाते में दो नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। वो अलहदगी पसंद तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबरा थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मंदिर के दरवाजे पर चस्पा किए जाने वाले पोस्टर में लिखा था कि कनाडा 18 जून के कत्ल में भारत के किरदार की तहकीकात कर रहा है। वाज़ह रहे कि रवां साल कनाडा में मंदिर में तोड़ फोड़ का ये तीसरा वाकया है। 31 जनवरी को कनाडा के ब्रैम्पटन में मशहूर मंदिर में तोड़ फोड़ की गई, साथ ही भारत मुखालिफ चौकिंग की, जिस पर भारत में गम गुस्सा पाया जाता है। अप्रैल में कनाडा के ऑन्टेरियो सूबे में एक और मंदिर में भारत मुखालिफ चौकिंग के साथ तोड़फोड़ की गई। विंडसर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी की, जिसमें दो मुश्तबा अफराद को मंदिर की दीवारों पर पेंटिंग स्प्रे करते दिखाया गया है। कनाडा के मुसल्ह अफवाज को अल्बर्टा और शुमाल मगरबी इलाकों की मदद के लिए तैनात किया गया है, क्योंकि जंगल की आग से इलाके की मुतअद्दिद कम्युनिटीज को खतरा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के मुसल्ह अफवाज को अल्बर्टा और शुमाल मगरबी इलाकों की मदद के लिए तैनात किया गया है, क्योंकि जंगल की आग से इलाके के मुतअद्दिद कम्युनिटीज को खतरा है, जिनमें से कई को इनखिला के अहकामात जारी हैं। कनाडा में जंगल की आग का रिकॉर्ड पर बदतरीन मौसम जारी है। हुकाम का कहना है कि वो तवक्को करते हैं कि अगस्त और सितंबर तक शुमाली और मगरबी कनाडा के बड़े हिस्सों में आग की औसत से ज्यादा सरगर्मियां जारी रहेंगी। कौमी दिफा के वजीर बिल ब्लेयर ने ट्वीट किया कि CAF आग बुझाने की कोशिशों, हवाई नकलो हमल और मनसूबाबंदी, कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिक्स में मदद करेगी। इलाकाई हुकूमत ने जंगल की आग से लड़ने में बढ़ती हुई दुश्वारी की वजह से फीड से मदद की दरख्वास्त की थी,
हंगामी तैयारी के वजीर हरजीत सज्जन ने हफ्ते की सपहर को ट्वीट किया कि CAF के अरकान मुतहरिक और मदद के लिए तैयार हैं, क्योंकि जंगल की आग कुछ शुमाली कम्युनिटीज तक पहुंच रही है। जंगल की आग के बढ़ते हुए खतरे की वजह से शुमाल मगरबी इलाकों और अल्बर्टा के दरमियान सरहद के साथ साथ मुतादिद कम्युनिटीज को खाली करने का हुक्म दिया गया है। पार्क्स कनाडा और इलाकाई हुकूमत का कहना है कि हफ्ते तक वो हाईवे की करीब से निगरानी कर रहे हैं और आग की सूरत हाल और धुएं के हालात के लिहाज से सड़कों की बंदिश की तवक्को कर रहे हैं। कनाडा में इक्तिसादी माहरीन की जानिब से महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में इक्तिसादी माहरीन की जानिब से महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। पेशन गोई करने वालों की तवक्को है कि इस हफ्ते के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक अफराते ज़र की शरह में गुज़िश्ता माह इजाफा हुआ है, जो कि महंगाई में मुसलसल कमी के एक साल के बाद पेशरफ्त में उलट जाने का इशारा है। कनाडा की सालाना अफराते ज़र की शरह मार्च 2021 के बाद पहली बार जून में मुल्क के हदफ की हद तक गिर कर 2.8% तक गिर गई, लेकिन माहरीन इक्तिसादियात को तवक्को है कि बुलंद अफराते ज़र के खिलाफ फतह कलील उलमुद्दत रहेगी, क्योंकि कीमतों के बुनियादी दबाव बताते हैं कि अफराते ज़र को 2% हदफ तक पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। माहरीन का कहना है कि इस रिपोर्ट में रिपोर्ट बैंक ऑफ कनाडा समेत हर एक के लिए तहकीकात का थोड़ा सा धुंधला होने वाला है कि बुनियादी तौर पर आसान मरहला खत्म हो गया और अब सख्त मेहनत शुरू हो गई है। दोनों जुलाई में CIBC और BMO 3.1% पर आने अफराते ज़र की शरह की तवक्को रखते हैं, जिसकी बड़ी वजह पेट्रोल की ज़ायद कीमतें हैं। अमेरिका ने गुज़िश्ता माह अफराते ज़र में इसी तरह के इजाफे का तजर्बा किया, क्योंकि इसकी सालाना शरह जून में 3.0% से बढ़कर 3.2% हो गई। माहरीन के मुताबिक पेट्रोल की कम कीमतें गुज़िश्ता साल महंगाई में कमी का बाइस बनी हैं, लेकिन बढ़ती हुई कीमतें अफराते ज़र के दबाव में इजाफा करना शुरू कर सकती हैं। पेट्रोल बहुत तेज़ी से अफराते ज़र पर एक बड़ा ड्रैग होने से गैर जानेबदार होने के करीब हो गया है और मुमकिन तौर पर महंगाई में इजाफा कर सकता है। इक्तिसादी तरक्की और लेबर मार्केट दोनों इस साल तवक्कात के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेबर मार्केट अब इतनी तंग नहीं है जितनी पिछले साल थी और बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है। 3 माह के दौरान बेरोजगारी की शरह 5.0% से बढ़कर 5.5% हो गई है। माहरीन का कहना है कि जब बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है तो शरह सूद में इजाफा जारी रखना एक मुश्किल फैसला है। अमरीकी रियासत हवाई की काउंटी माउवी में लगने वाली आग को अमरीका की 100 साल तारीख की बदतरीन आतिशजदगी करार दिया जा रहा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत हवाई की काउंटी माउवी में लगने वाली आग को अमरीका की 100 साल तारीख की बदतरीन आतिशजदगी करार दिया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हवाई में बदतरीन आग से हलाकतों की तादाद 93 तक जा पहुँची है, जबकि जंगलात से फैली आग से तबाह इमारतों में लाशें तलाश करने का काम जारी है, जिसके बाइस हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा है। काउंटी के कई इलाकों में 4 रोज बाद भी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग से होने वाले नुकसान का तखमीना $5.5 अरब लगाया जा रहा है। तबाह हाल इमारतों से लाशों की तलाश के लिए कुत्तों की मदद भी ली जा रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2018 में कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग से 85 अफराद हलाक हुए थे। दूसरी जानिब चीन के शहर शियान में शदीद बारिशों के बाद मिट्टी का तोदा गिरने से 21 अफराद हलाक हो गए। चीनी मीडिया का कहना है कि शदीद बारिशों के बाद होने वाली लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में मिट्टी का तोदा गिरने से 21 अफराद हलाक हो गए, जबकि 6 अफराद लापता हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी सूबे शांजी के शहर शियान में शदीद बारिशों ने निजामे जिंदगी को शदीद मुतासिर किया है। हुकाम का कहना है कि मिट्टी और कीचड़ तले दबे मजीद 6 अफराद की तलाश जारी है। मिट्टी के तोदे की जद में आने वाले 2 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। चीनी मीडिया के मुताबिक इलाके में 900 से ज्यादा घरों को बिजली की फरहमी भी मुअत्तल हो गई। हुकाम की जानिब से इलाके में रेस्क्यू सरगर्मियां जारी हैं, ताहम बारिश के बाइस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी ने इस अजम का आदा किया है कि अफगान सरजमीन किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी ने इस अजम का आदा किया है कि अफगान सरजमीन किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। एक बयान में अफगान वजीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत तमाम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है और अफगान सरजमीन किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अफगान कौम 40 साल जंग से थक चुकी है। अफगानिस्तान अपने मुल्क की तामीर और तरक्की, अमन की बहाली पर तवज्जो दे रहा है। गुज़िश्ता दिनों हालिया दहशतगर्दी के तनाजर में हुकूमत पाकिस्तान के शदीद रद्द अमल पर अफगान सुप्रीम लीडर ने अहकाम जारी किए।
افغان سپریم لیڈر نے واضح کیا کہ ان احکامات کے خلاف ورزی کرنے والوں کو افغانستان کی عبوری حکومت کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا۔ افغانستان سے باہر جہاد پر افغان سپریم لیڈر شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ نے سخت احکامات میں کہا ہے کہ کوئی بھی افغان شہری عسکریت پسندی کے لیے افغانستان کی سرحد پار نہیں کرے گا۔ شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کا کہنا تھا کہ جو لوگ عسکریت پسندی کے لیے پاکستان گئے، مارے گئے تو وہ شہید نہیں کہلائیں گے اور ان کی موت کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ شیخ ہیبت اللہ نے کہا کہ پاکستان میں کسی افغان شہری کے قتل کے بعد افغان حکومت کا کوئی نمائندہ اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرے گا۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔